ये दुनिया के सबसे अजीब चीजों में से एक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ भी चिपकता ही नहीं है, नॉर्मल टेप भी नहीं। या पर अगर मैं इसको टमाटर के ऊपर ऐसे रखकर उठाऊं तो ये चिपक गया, पर जब आप इसे उल्टा करते हो ये इस केस में अलग हो जाता है। तो क्या ये बस फलों से चिपकता है? नहीं, ये वाटर बॉटल, पैकेट्स और लगभग सभी स्मूथ सर्फेसेस से चिपकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मटेरियल गीको की स्किन को कॉपी करके बनाया गया है। आर्टिफिशियल गीको स्किन स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर कर्ट कॉस्की की लैब में बनाई गई है, और अब इसे रोबोटिक ग्रिपर, सामान पुल करने वाले रोबोट्स जो अपने वजन से ज्यादा पुल कर सकते हैं, स्पेस में घूमते रोबोट्स और स्पाइडरमैन स्टाइल में दीवारों पर क्लाइम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी शुरुआत एक ऐसे रोबोट बनाने से हुई जो वर्टिकल वॉल्स पर बिना सक्शन ट्यूब के क्लाइम कर सके। ये चिपकने वाला है, हम सब जानते हैं कि इसे कैसे यूज करते हैं। इसे दबाओ और ये चिपक जाता है, और फिर इसे खींच कर निकालो। पर वहीं ये गेको मटेरियल जो है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये चिपकता नहीं है, पर अगर मैं इसे बीच में से इसे ऐसे पकड़ूं तो इसके सहारे मैं फुटबॉल तक ऊपर उठा सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, ऐसा तो बाकी टेप्स में भी किया जा सकता है। हाँ, पर बाकी टेप्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, और ये काफी जरूरी फीचर है क्योंकि अगर आप एक स्मॉल रोबोट हैं, तो आप दीवार पर चढ़ते वक्त अपने पैरों पर च्युइंगम जैसा कुछ नहीं चाहेंगे। ऐसे पील ऑफ करने में बहुत एनर्जी लगती है, तो आपको ऐसी चीज चाहिए जो तभी पकड़ बनाए जब जरूरत हो, और यही फीचर गेको एडेसिव बनाते वक्त सबसे जरूरी है। ये गेको एडेसिव से बना रोबोट अर्ली स्टेज में है अभी। इसे बनाते वक्त काफी एफर्ट्स के बाद हमें समझ आया कि गेको एडेसिव काम कैसे करता है। ये पकड़ तो बनाता है पर चिपकता नहीं है। गेकोस पैदाइशी क्लाइंबर होते हैं, और ये दीवालों पर चलते हैं, सीलिंग पर चलते हैं, पर काफी लंबे समय तक हमें ये नहीं पता था कि वो कैसे कर पाते हैं। ये हेयर्स या स्पाइडर की तरह स्पाइक्स का यूज नहीं करते, एंड ऐसा लग सकता है कि इनके पैरों में सक्शन कप्स हैं, पर ये जो यूज करते हैं उसकी ग्रिप सक्शन ट्यूब से भी स्ट्रॉन्ग है। गेको का एक पैर ही पूरी बॉडी को संभाल सकता है। गेकोस के ऐसा कर पाने का राज इसे नजदीक से देखने पर पता लगाया जा सकता है। ये लमेला है, ये रीजन स्टॉक से भरा हुआ है जिसे सीटाई कहते हैं, और ये सीटाई ब्रांच इन बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स स्पैटुला से बनी होती है जो बस कुछ माइक्रोमीटर दूर है एक दूसरे से, जो जरूरी भी है क्योंकि जिस फिजिकल फोर्स का यूज ये पकड़ बनाने के लिए करते हैं वो खुद में काफी वीक होती है। ये आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है जहां एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। ये पानी में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह भी नहीं है, जिसमें एक एटम का एक पार्ट थोड़ा पॉजिटिव और दूसरा पार्ट थोड़ा नेगेटिव होता है। तो गीकोस दो न्यूट्रल एटम्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए गीको एक ग्लास विंडो पर चढ़ रहा है। गीको के एटम्स भी नेचुरल हैं और ग्लास के भी, पर हर समय एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पर इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। वो एक तरफ दूसरी तरफ से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, और यही रीजन एटम को कुछ समय के लिए एक तरफ से थोड़ा नेगेटिव और एक तरफ से थोड़ा पॉजिटिव बना देता है। अगर इस वक्त कोई एटम इससे बस थोड़ा दूर है, ग्लास के केस में बस कुछ नैनोमीटर्स, तो ये एटम ग्लास के एटम्स पर भी कॉम्प्लीमेंट्री चार्ज इम्पोज कर देगा, जिसकी वजह से अब ग्लास के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स गीको के एटम्स के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे, और इसका उल्टा भी होगा, और इसे ही कहते हैं वेंडर वॉल फोर्स। वैसे ये वेंडर वॉल फोर्स ही है जिसकी वजह से गेज ब्लॉक्स, स्टील के फ्लैट पीसेस एक दूसरे से चिपक पाते हैं। ये हर जगह है। अगर आपके पास एक कार है तो आपने बैक विंडो पर एक विनाइल की शीट जरूर लगाई होगी अपने बच्चों को एक्सेस सनरेज से बचाने के लिए। वहाँ भी वेंडर वॉल फोर्स काम करती है। पर नॉर्मली हम वेंडर वॉल फोर्स को नोटिस नहीं कर पाते, हम उन्हें अपनी फिंगर से महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फिंगर्स माइक्रो स्केल पर स्मूथ नहीं होती है। एक ग्लास को उंगली से टच करना एक माउंटेन रेंज को फ्लैट प्लेन पर रखने के बराबर होता है, ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं है। गेको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने फाइन ब्रांचेस की मदद से, जिसका मतलब है कि जब गेको अपने पैर किसी सरफेस पर रखता है तो उसे बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने सरफेस पर फेविकोल गिरा दिया हो जो कुछ समय बाद फ्लैट हो जाएगा, और इतने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से ही ये पकड़ बना पाता है।
गेको के इतने छोटे जटिल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करना अभी मुमकिन नहीं। गेको के पास जो हम वो नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं। वो बारीक स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बहुत जटिल ब्रांचेस का ढांचा है, पर हम उससे मिलता जुलता कुछ बना सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल गेको स्किन बहुत टाइनी नुकीली शेप से कवर्ड होती है, जो बस 1 से 2 माइक्रोमीटर चौड़े होते हैं, और ये इंसानी बाल से 100 गुना पतले हैं। ऐसे बारीक स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत ज्यादा इंसानी मेहनत लगती है। एक वैक्स के सॉलिड पीस को सांचे की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर एक रेजर से ब्लॉक को बार बार कंप्रेस करके उसमें सांचा बनाया जाता है, फिर एक सिलिकॉन पॉलीमर को इस सांचे में डाला जाता है और उस पर एक येलो मटेरियल चिपका दिया जाता है पकड़ने के लिए। तो ये है सिलिकॉन। इसे वैसे सिलिगार्ड 170 कहते हैं, और हाँ ये एक सिलिकॉन का ही टाइप है। 20 घंटे बाद अब एडहेसिव इस्तेमाल करने की कंडीशन में है। ये कुछ ऐसा दिखता है, पर सांचे को बस 1-2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद एडहेसिव बेकार क्वालिटी का बनने लगता है और सब शुरू से शुरू करना पड़ता है। इन नुकीले स्ट्रक्चर्स के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, जब आप इसे किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो पहले बस टिप्स सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है, जिसकी वजह से ये चिपकते नहीं है, क्योंकि कोई वॉन्डर वॉल फोर्स नहीं होती है। पर जैसे ही आप इसे एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे पुश करते हैं तो ये स्ट्रक्चर मुड़ जाते हैं और हमें एक कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट एरिया मिल जाता है। और अब हम गेको की तरह वॉन्डर वॉल फोर्स का इस्तेमाल पकड़ बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये पकड़ बनाए उसके लिए आपको उसे सरफेस के पैरेलल रखना होगा, और इसे शियर फोर्स कहते हैं। आपको उसे उस तरफ पुल करना होगा जिससे ये वेजेस सरफेस के साथ पैरेलल हो पाए और कॉन्टैक्ट एरिया बन पाए। किसी दूसरे डायरेक्शन में पुल करना काम नहीं करेगा, और इसी वजह से ये किसी और सरफेस पर नहीं चिपकता, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं। हम इसे साफ करने के लिए भी एक टाइप का यूज करते हैं, क्योंकि टेप सिलिगार्ड से नहीं चिपकता, पर डस्ट पार्टिकल से चिपक जाते हैं। इन्होंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा रोबोट माइक्रो टक बनाया है। ये खुद बस 17 ग्राम का होते हुए भी 20 किलो तक की चीजों को खींच सकता है। ये एक इंसान के द्वारा ब्लू व्हेल को खींचने के बराबर है। बस ऐसे 6 छोटे रोबोट ही एक कार को खींच सकते हैं। गेको टेप माइक्रो टक्स के अंदर लगा हुआ है, इसीलिए जब ये कार खींचता है तो मटेरियल पूरा पैरेलल होता है और ये ग्राउंड से चिपका रहता है। पर जैसे ही कार आगे बढ़ती है, पैरेलल कॉन्टैक्ट एरिया कम होने लगता है और रोबोट आराम से खुद को उठाकर आगे बढ़ सकता है। कितनी ताकत से रोबोट खींच सकता है ये डिपेंड करता है गेको टेप कितना सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, जिसे मेजर किया जा सकता है एक एक्रेलिक सिलेंडर के थ्रू लाइट पास कराकर। होता ऐसा है कि एलईडी से पूरे सिलेंडर में लाइट स्प्रेड की जाती है, और जब भी कोई मटेरियल इसकी सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है, लाइट डिस्टर्ब हो जाती है और कॉन्टैक्ट एरिया साफ दिखाई देता है। 1 इंच स्क्वायर सरफेस एरिया 4 से 4.5 किलो वेट उठा सकता है। अब क्योंकि ये एडहेसिव सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए किसी चीज को ग्रैब करने के लिए दोनों अपोजिट साइड में गेको टेप लगाया जाता है, और जब आप इसे ऊपर खींचते हैं तो दोनों साइड्स पर शेयर फोर्स लगता है और ये चिपक जाता है। 2 अपोजिट साइड्स वाले एडहेसिव को एक्चुअली में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी इस्तेमाल किया गया। इसे एस्ट्रो भी कहते हैं। इसे एक ड्रोन की तरह समझिए, एक UAV जो बस एक फैन का यूज करता है इधर उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए। आइडिया ये था कि ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए सामान लाने रखने का काम कर सके। हमारा आइडिया ये है कि क्या हो अगर ये आराम से दीवार से चिपक कर काम करे या किसी भारी चीज को उठाए। हमारा गोल है कि इस ब्लू LED को ग्रीन में बदलने देना, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नहीं है, इसलिए सामान उठाने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए। पर हाँ, आराम से पकड़ना और फिर उसे आराम से रिलीज करना, ये फीचर सही से काम करना चाहिए। इसलिए हमने अपने गेको टेप्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भिजवाए और वहाँ भी ये बिल्कुल अर्थ के जैसे बढ़िया काम करते हैं। ये स्पेस में गया था? ये वाकई में स्पेस स्टेशन था? स्पेस स्टेशन में 1 से 1.5 साल तक के लिए। वाओ। सेम प्रिंसिपल्स 3 टेप्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। जब आप तीनों को अंदर की साइड ऊपर खींचेंगे तो पकड़ बनेगी। ये तीनों टेप स्टिकी हैं, बट अभी नॉर्मल कंडीशन में हैं। और जब आप इसे रिलीज करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। या पूरा पैड टच नहीं करता, क्योंकि वो दोनों सरफेस परफेक्टली फ्लैट नहीं है। पर जब आप इसे एक्टिवेट करते हो। ओ हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। मैं अब पावर बंद करने जा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि कोई पावर नहीं है, ये अब भी चिपका हुआ है। मुझे लगा था आपको मोटर ऑन रखनी पड़ेगी, पर लगता है यहाँ बस पोजीशन को लॉक किया गया उससे। हाँ, बस थोड़े से मुड़े होने से ही ये पकड़ बन जाती है।
इस मटेरियल को कई तरीके से यूज किया जा सकता है, पर अभी इसे मोस्टली सामान पकड़ने वाले रोबोट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एडहेसिव थोड़े से ही शेयर फोर्स से काम कर जाता है, इसीलिए नाजुक चीजें उठाने के लिए ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें बेसिकली गेको के स्मार्ट हाथों की तरह ही बनाया गया है। हम बेसिकली चीजों को स्क्वीज नहीं करना चाहते। वाओ, ऐसे तो गुलदस्ता बिल्कुल ठीक है, थोड़ा भी नहीं मुड़ा, मतलब 1 न्यूटन से भी कम फोर्स लग रहा है। ये भारी आइटम्स भी उठा सकता है और बास्केटबॉल भी। तो क्या एक गेको टेप कार को खींच सकता है? इस कार को एक रस्सी से बांधा गया है, जिसे फिर यहां रखे एक विंच से लगाया गया है, जो फिर जाकर इन 4 गीको टेप्स पर टिकी हैं, जो बस एक पाइप पर रखे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये 4 गीको टेप्स विंच को संभाल पाएंगे जब ये कार को खींचेंगे? ओके। वाह, ये तो चल पड़ी। या क्या मैं इन्हें हटा सकता हूँ? या वाह, मतलब ये किसी चीज से टिके हुए नहीं थे। बेहतरीन है। पर इस टेप का यूज मोस्टली सब लोग करना चाहते हैं, वो है दीवार चढ़ने में, और यही PhD प्रोजेक्ट भी है ग्रेड स्टूडेंट एलियट हॉक्स का। ये एक चैलेंज है, क्योंकि उन्हें एक ही टाइम पर इतना गीको मटेरियल को स्टिक करना है ग्लास से, जिससे वो पूरा वेट संभाल पाए। अगर आप मुझे गीको मटेरियल से क्लाइम करते हुए देखना चाहते हैं, बताइएगा जरूर, मैं थोड़ा और ऊपर क्लाइम करने की कोशिश करूंगा।